morning students will now be start essay writing the curve. The curve, the curve पे बेटा हम क्या करेंगे? Essay लिखेंगे, ठीक है? So now we start. First line is a cow is a domestic एनिमल. काऊ क्या है? एक डोमेस्टिक एनिमल है जिसको लोग घरों में पालते हैं, ठीक है. सेकेंड लाइन, इट ईट्स ग्रीन ग्रास. इट ईट्स ग्रीन ग्रास, ये क्या खाती है? ग्रीन घास खाती है, ठीक है, ग्रीन ग्रास. थर्ड, इट हैज फोर लेग्स. काऊ के कितने लेग्स होते हैं बेटा? फोर लेग्स. इट हैज फोर लेग्स. फोर्थ लाइन लिखिए बेटा, it has a tail. काऊ की एक टेल होती है, एक पूंछ होती है. नेक्स्ट फिफ्थ लाइन, it gives us the cow lives in a shed. काऊ किस में रहती है? शेड में रहती है. नेक्स्ट सेवन, I drinks, I drinks its milk. हम गाय का दूध पीते हैं ना? I drink its milk every day. Every day. And last time thing, it is a very, ठीक है, very, very useful animal. It is a very useful animal. जो काऊ है बेटा वो बहुत ज्यादा यूजफुल एनिमल है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे? इसको अपने इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करेंगे. नाउ योर होमवर्क इज
The cow has said, do in, not do. Okay, thank you all. और please request है सभी बच्चे अपना work जो है वो send करें, ठीक है? Suppose सभी बच्चों का जो है work नहीं आता है तो please बेटा फिर मैं आपको call करूंगी और आपकी notebook school में मंगवाऊंगी. इसलिए जो भी मैं work दे रही हूँ वो आप अपने notebook में करेंगे और मुझे send करेंगे.